नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे, मैथ से रिलेटेड पार्ट 14। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है और ज्योमेट्री में वो मीडियन से रिलेटेड है। द लेंथ ऑफ द थ्री मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना होगा? क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी में पढ़ देता हूँ उसको, कि एक त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं हैं, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ जिससे एक समझ में आ जाए कि माध्यिका होती क्या है। माध्यिका होती है जो सामने वाली साइड को, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से वर्टिक्स को मिलाए उसको माध्यिका बोलते हैं, मतलब कि दो भागों में इक्वली बांट देती है। ऐसे ही करके ये होगी और ऐसे ही करके ये होगी। अब देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 अनुपात, और एक चीज़ और है, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं और ये 2:1 के रेशियो में होता है। 2 ये 1 ये, 2 ये 1 ये, 2 ये 1 ये। अब मैंने ये क्वेश्चन तो समझा दिया आपको, है क्या? और अगर है आपको ट्रिपलेट के सहारे लेकर, क्योंकि ट्रिपलेट बनी हुई है, इसका सहारा लेकर अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? देखो, ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 12 है, टोटल 12 है। और ये कितना है, 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 9 है। तो 6 और 8, ये क्या है, 2, 6 8 10 की एक ट्रिपलेट होती है, 6 8 10, जैसे होता है ना, 3 4 5 6 8 10 9 12 15, इस तरह से ट्रिपलेट होती है, तो 6 8 10 होती है। अब 6 8 10 को, इसका मतलब ये राइट एंगल होगा। पाइथागोरस में हम लोग देखते हैं ये a² + b² = c² होता है। तो 6 8 10 का अगर मैं एरिया निकालना स्टार्ट करूँ इसका, तो क्या होगा, 1/2। बेस कितना है इसका, बेस ये ले दीजिए 8, और हाइट कितनी है, 6, तो कितना हुआ, 24 हुआ इसका एरिया, इसका एरिया है वो 24 हो गया। और ये होती है हमेशा वो एक होती है जो ट्रेंगल ऐसे, वो 1/3 होती है पूरे की। तो 24 × 3 कितना हुआ, टोटल का कितना हुआ, 72। तो आंसर कितना हुआ, ए। मतलब कि अगर आपको ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट आता हो अच्छी तरह से, तो आप इसको क्या करेंगे, 8 और 6, 1/2 × 8 = 48, तो कितना हुआ, 24 और 3 = 72। आंसर कितना, 72। सीधा आप कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। आप बोलोगे 6 8 10, ये दिमाग में कैसे आएगा मेरे, क्योंकि ये दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, टोटल 12 दिया हुआ है, और तीसरी है 15, तो ये 10 है, ये 5 है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो अगर 6 हो और ये 8 हो, तो ये 10 होगी पाइथागोरस ट्रिपलेट में, और जब दो भागों में ये काटेगी तो ये 5 हो जाएगा। और सेमी सर्कल टेक्निक से आप इसको 5 भी, मीडियन 5 होगी, तो ये 5 है, तो ये प्रूव भी हो गया। वरना आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा होता है, 6 8 10 का कम्बिनेशन ही होगा। मैंने प्रूव करके दिखाया, लेकिन जरूरत नहीं आपको प्रूव करने की, आप सीधा कर सकते हैं 3 से गुणा। आप 2 को लेकर 6 8 और ÷ 2 × 3 सीधा कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आप ऐसा निकालना नहीं चाहते और फॉर्मूला का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 4/3 और एस एस माइनस एम वन कर सकते हैं, एस माइनस एम टू कर सकते हैं और एस माइनस एम थ्री कर सकते हैं। ये एम एम है क्या, जी आप ए बी सी भी कर सकते हैं। ये है जो तीनों है मीडियन, उनको जोड़कर 2 से भाग, 15 12 27 9 36, 36/2 है वो एस की वैल्यू है, 18 18। तो हम क्या करेंगे, फिर 18 में से 9 गए 18 कर दिया, 18 में से 9 गए 9, 18 में से 12 गए 6, 18 में से 15 गए, तो ये 15 तीसरा 3, और फिर इसका रूट करेंगे कितना हुआ, ये हो जाएगा, ये 18 3 54 9 6 54, तो इसका मतलब 54 × 54 होगा ये, तो हम ले लेंगे 54, और 54 का 4/3 कितना हुआ, 18 × 72। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैंने दो चीज़ बताई है इसमें, एक बताया है कि आपका ट्रिपलेट का सहारा लेकर कैसे एरिया निकालते हैं, और वो क्या था कि इसको जब 12 हुआ था, 8 4 होता है, 2:1 में डिवाइड हो जाता है, 9 है 6:2 2:1 में जाएगा, तो 6 और 3 हो जाएगा, 6 8 10 का कॉम्बिनेशन होता है। तो 6 और 8 का लेकर हमने एरिया निकाल दिया इसका जो 24 है, और 3 से गुणा कर दिया क्योंकि ये तीसरा हिस्सा होता है। दूसरा तरीका मैंने बताया कि तीनों मीडियन को जोड़ो और 2 से भाग दो, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको फॉर्मूला बेस्ड करना है तो ये एस की वैल्यू आ जाएगी 18, और एस एस माइनस वन, एस माइनस टू, एस माइनस थ्री,
एम थ्री आप इसको करेंगे तो क्या करेंगे कि 18 आया, 18 में माइनस 18 इंटू 18 माइनस 9, 18 माइनस 12, 18 माइनस 15 और फिर इसका रूट निकाल कर 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक दूसरा तरीका ये है, जिसको फार्मूला भी ज़्यादा पसंद है वो करें फार्मूला, और जिसको पसंद है कि वो फार्मूला नहीं यूज़ करना चाहता, वो ट्रिपलेट का सहारा लेकर वो जल्दी करना चाहता है, ट्रिपलेट पे कमांड करना चाहता है, उसके लिए बहुत आसान है। कोई भी ट्रिपलेट आएगा आपको ऐसे करना है और उसके बाद तुरंत उसको 3 से गुणा कर देना है। अगर इसका आधा एरिया पूछे तो वो इसको इस हिसाब से वो ट्रीट कर ले कि इसको 3/2 से गुणा कर दे। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आमतौर पर क्वेश्चन आता है एसएससी में, जैसे इसमें 9, 12, 15 है तो हो सकता है आगे 6, 8, 10 आए या 12, 16, 20 आए, तो होगा ट्रिपलेट के हिसाब से ही। तो आप इसको फॉर्मूला का यूज़ करके किसी भी तरीके का आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे जो मीडियन से रिलेटेड एरिया निकालने का होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आपको जब आप इसको बार बार करेंगे तो प्रैक्टिस होगी तो भी इसको यूज़ भी कर पाएंगे और इससे आपका मैथमेटिक्स है बहुत आसान बनेगा, जो ज्योमेट्री में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजी, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।